हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि मुंबई मेरी फिल्म जो है लगी है, मतलब ये दूसरी तीसरी फिल्म हो गई मेरी। और आज मुझे सबसे बड़ी ये खुशी है कि मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे लोग, सब लोग, मेरे भाई लोग, सब लोग, हम लोग साथ में हैं, मज़ा आ रहा है, खाए। एक ही गम है कि मेरे पापा नहीं हैं साथ में, और पापा फुल इंटरटेनमेंट आदमी, आप लोग जानते हैं कि ये दूसरी तीसरी फिल्म बना चुके हैं। पापा जी बिजी हैं कुछ जो है बिजनेस में, और फ़ोन किए थे अभी लाइव, मतलब वीडियो कॉलिंग भी कर रहे थे, तो मैं बोला पापा लव यू, तो बोले बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में हूँ मैं, तो बोला ठीक है, अच्छा लगा जो है, और बहुत मज़ा आया जो है। और फिल्म मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोगों ने जो सोच समझ के बनाया, ठीक ही बनाए हैं, अच्छा बनाया है, लोगों को देखने लायक बनाए हैं। जो मतलब भोजपुरी में बलगट्टी था कि हमारे भाई खेसारी भाई, पवन सिंह और क्या बोलते पनीर हुआ, सारे भाई लोगों ने ख़त्म किया, उसके पीछे मैं भी आया, मैं भी ख़त्म किया, मतलब बलगट्टी कुछ भी नहीं है, अच्छी लग रही फिल्म, लोगों को अच्छा लगेगा, क्या है रिस्पॉन्स है तो पब्लिक बताएगी। क्या किरदार है इसमें आपका? मैं और प्रमोद भाई दोनों इंस्पेक्टर रहते हैं, और क्राइम को ख़त्म करने के लिए, मतलब हम लोग क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर रहते हैं, तो हम लोग क्राइम ख़त्म करने के लिए कहीं जाते हैं। अब जो होता ना कि जो है, अब जैसे वांटेड में सलमान भाई को देखे होंगे, तो उसी टाइप का हम लोग का कैरेक्टर है कि हम लोग सादे में जाते हैं और सारे क्राइम को ख़त्म करते हैं, और क्राइम को ख़त्म करके फिर वापस होते हैं। उसी बीच हम लोग का प्यार होता है, मिलना जुलना, वो बहुत सारी चीज़ें। तो आपकी हीरोइन हीरोइन हमारी बहुत अच्छी है, और वो बेचारी जो है आ नहीं पाई कि मतलब इंडस्ट्री वो छोड़ दी है, वो सबसे पहले इंडस्ट्री को छोड़ दी है, वो जो इंडस्ट्री छोड़ दी है इसी फिल्म से, उनकी लास्ट फिल्म की बोली पवन तुम्हारे साथ लास्ट कर रही हूँ, उसके बाद छोड़ दूँगी। लेकिन क्यूट हीरोइन थी, वो चाहती तो बहुत आगे जाती। क्या नाम था हीरोइन का? श्रेया मिश्रा। और प्रमोद जी के साथ काम करके कैसा लगा? मज़ा आया, मेरा भाई प्रमोद भाई मेरा भाई है, बहुत नाइस पर्सन, प्यारा बंदा जो है, एकदम दिल से छूता है, दिल पे, मतलब एकदम हम लोग साथ में एकदम, मतलब लग नहीं रहा था हम लोग शूट कर रहे हैं, एकदम लग रहा था कि हम लोग घर में हैं, मेरा भाई है, और हम लोग फुल मस्ती करते हो, पापा भी थे, सारे लोग थे, मम्मी भी आई थी हमारी, कानपुर के जिला अध्यक्ष हैं शारदा देवी जो है, मम्मी भी आई थी सेट पे, तो बहुत मज़ा आया था, हम लोग जो है बहुत इंजॉय किए फिल्म को, और अच्छे से शूट किया गया। हमारे दिलीप जॉन हमारे बीच नहीं, हमारे बड़े भाई, कुछ प्रॉब्लम था नहीं आ पाए हैं, तो ठीक है, तो मुझे अकेला भेजा गया। और नाइस पर्सन, मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है, बहुत अच्छी, मतलब आई रिस्पेक्ट यू, मतलब दिल से रिस्पेक्ट है। काफ़ी सारी फिल्में की उन्होंने, ग्रेट आर्टिस्ट जो है, कि मतलब अच्छा लगा कि वो जो है, मतलब हम लोग का जो है काम टू काम मतलब रहता था, मतलब एक दूसरे से मिलना भी नहीं होता था, क्योंकि मेरी होटल अलग थी, उनकी अलग थी, हम लोग का मिलना जुलना बहुत कम होता था, कि मैं जो है साथ में सीन किए, बस मज़ा आया, मस्ती सीन भी किए, मस्ती भी किए, मस्त मज़ा आया, अच्छी हैं। और हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर हैं, हमारा एक ये भाई डायरेक्टर हैं अभी, जिनकी हिंदी फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, ये हमारे ये दोनों भाई डायरेक्टर हैं, और बीच में भीष्म पितामह खड़े हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, जिन्होंने बड़ी बड़ी राजेश खन्ना को लेकर मूवी बनाए हैं, हमारे साथ हैं आज जो है, और हमारे वीरेंद्र भाई एज एक्टर और स्टोरी राइटर हम लोग साथ में हैं, और हमारे कवि जी, हेलो सर, ये हमारे आपने फिल्म में गाने लिखे हैं,
बहुत मतलब सारे लोगों ने मिल के जो है बहुत मेहनत किया है, फिल्म को अच्छा बनाया है। अब पसंद ना पसंद करने पब्लिक की बात है, लेकिन हम मतलब दिल से हमारी पूरी टीम फुल मेहनत की है, एकदम दिल से मेहनत की है। आपने कितना मेहनत किया था अपने किरदार को? सर मैं जितना मेहनत किया हूँ शायद कोई नहीं किया होगा, क्योंकि होता है ना कि एज ए प्रोड्यूसर एज एक्टर तो मैं जो है पापा को जैसे होता ना ड्यूटी से वो 6 बजे छूटते थे तो वैसे वही वहाँ पे सेट पे भी था। मैं 6 बजे मम्मी पापा को फ्री कर लेता था, सेट पे मेरे सीन रहे ना रहे तो मैं सेट पे ही रहता था। और रह के मैं 3-4 बजे तक शूटिंग चलती थी, मैं खुद करता मतलब रह के मेरी एक्टिंग भी करना था मुझे और सारी पूरी टीम को मुझे देखना था, तो फुल थोड़ा बहुत मेरी भी मेहनत लगी है ये फिल्म बनाने में। सर आपने देखा फिल्म कैसा लगा? हाँ मैं बेसिकली पवन जी के लिए आया, बहुत अच्छा लड़का है और काम मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, अभी पहली या दूसरी फिल्म है उसके हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इनको बधाई दूंगा कि आगे बढ़े और अच्छा काम करें, अच्छी फिल्में करें। पापा की जगह पितामाए हैं, मतलब ये भी पापा ही है, बचपन है, बहुत प्यारा मतलब बहुत अच्छा काम किया है। पहले मतलब इन्होंने राजेश खन्ना को लेके फिल्म बनाए थे, जैसे राम भाई हमको जानते हैं, काफी फिल्में बनाया हूँ और आगे भी बनाता रहूंगा। मेरे दूसरे पितामाए हैं और मेरा भाई क्या नाम है रुस्तम भाई और मेरे सीमाचल नाइक, ये दो दिग्गज डायरेक्टर है मतलब हिंदी फिल्म के, आज मैं मुझे प्यार देने के लिए मेरे साथ आए। और मेरे विरेंद्र भाई एक्टर और कवि जी हमारे मैम आइए ना, ये बहुत अच्छी एक्टर हैं और बहुत अच्छा है मतलब इन्होंने अभिनय किया काफ़ी फिल्मों में, तो हमारे साथ आई हैं मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, हमारे शमशेर भाई हैं और उसके बाद में मनोज भाई हैं और मेरा पंकज छोटा भाई जो मेरा हमेशा ख्याल रखता है 24 घंटा जो है, और पूरी टीम है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो मैं सुपर किंग डॉन के पूरे टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ढेर सारा शुभकामना। और पवन भाई ने सुबह सुबह मुझे कॉल किया कि भैया आइए मेरा फिल्म लगा, तो मुझसे रहा नहीं गया, अरे मैं आ गया इनके सेट पर, अरे आके देखा इनके एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हुआ और नेक्स्ट फिल्म मेरे साथ एक कर भी रहे हैं, तो ढेर सारा शुभकामना। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, मीडिया के सपोर्ट से हर कोई आगे बढ़ता है, तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि आप लोग भी मेरे पवन भैया पर सपोर्ट करें और इनको भी आगे बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी भैया का मूवी देगा और टाइम एकदम सुपर से डूबर जाने की चीज़ है, बहुत अच्छा गया। और मैं जहाँ तक जाता हूँ कि भाई लोग प्लीज़ प्यार करो भाई के लिए और एकदम आगे दमदारी बढ़ाने के लिए। फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगा और सब लोगों ने एक्टिंग बहुत अच्छा किया है। और कनवा का बाली वाला तो बहुत गाना मुझे पसंद आया, जो बहुत अच्छा लगा, दिल कर रहा था थिएटर में ही डांस कर रहे हैं हाँ, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत सब बढ़िया है। प्रमोद प्रेमी यादव और पवन यादव, दो हीरो दो यादव ने जो धमाल मचाया पकड़े पे, क्या कहना चाहेंगे? प्रमोद जी का तो एक्टिंग देख करके ऐसा लगा जैसे वो पहली बार काम नहीं कर रहे हैं, मतलब काफ़ी मजे हुए लग रहे थे, अच्छा लगा उनका एक्टिंग देख करके कि ऐसा लग रहा था कि 8-10 पिक्चरें कर चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया और पवन जी भी बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं, मज़ा आ गया। लेकिन ये अब देखते हैं आगे जो पिक्चर करें, कोशिश करें कि और अच्छा करें, और ये पिक्चर तो है अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा सबका, और जो हीरोइन है उनका भी एक करेक्टर बहुत अच्छा लगा और बहुत स्वीट लग रही थी देखने में, तो लोगों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म और अच्छा जाएगा। फिल्म के डॉन अच्छे लगे, गौतम गोविंदा जी नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ अच्छा काम किए वो भी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे बड़े भाई हैं सीमाचल भाई, गिव स्पेशल थैंक्स टू द ऑल टीम ऑफ दिस प्रोडक्शन हाउस एंड आई एम सो हैप्पी हियर कमिंग हियर एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ, माय ब्रो पवन कुमार इज द बेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री एंड इज गोइंग टू द करियर द ग्राउंड ग्रो and I think that this film will be super duper hit because मुझे इस फिल्म का कहानी अच्छा लगी और इन टीम ने जो कुछ भी मेहनत करके बना है मुझे ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी में जितने फिल्म बनाते हैं बोलते हैं भोजपुरिया, अरे कहे का भोजपुरिया यार,
हिंदी बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो सब बोलो फिल्म इज द फिल्म, ये जो भेदभाव है इसलिए हम दुखी हैं कि रीजनल फिल्म तुम्हारे 50 करोड़ की फिल्म 5 लाख में जो आउटपुट देता है 50 करोड़ का फिल्म काम नहीं आता, इसलिए फिल्म को फिल्म समझो, कोई किसी की फिल्म में जात मत देखो। लेकिन आज मैं मेरे जीवन में 4 फिल्म हिट देने के बाद और 9 फिल्म करने के बाद टॉलीवुड में तेलुगु में एक फिल्म किया हूँ दाऊद, उसको आप देख सकते हैं सर्च में गूगल सकते हैं। इधर मैं कर रहा हूँ अभी मीरा एक्सप्रेस तुमका धर्मेंद्र और सत्य कपूर को लेके, फिर अभी मेरी चल रही है तेरी मोहब्बत मेरे नाम, इसमें बहुत सारे एक्टर है 12-15 सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी बजट है। ये सब फिल्म करने के बाद भी आज ये फिल्म देखने के बाद इतनी अच्छी लगी कि चलो जो कहते थे जो सुनता था मैं, लेकिन फिल्म अच्छी बनी है। तो डायरेक्टर हमारे दिलीप जालन कुछ दिलीप भाई जी हैं, उनकी अस्पताल में कुछ उनकी हार्ट की बीमारी की वजह से वो बेड पे सोए हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन वे भी बहुत तकलीफ और मेहनत से प्यार के साथ में फिल्म को मजबूत किया है और फिल्म ये फैमिली के साथ में देखने के लिए लायक है और ज़रूर ये लोग फिल्म लोग फैमिली में एक साथ में बैठ के देख सकते हैं, ये अच्छी है। और मैं प्रोड्यूसर साहब से बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने फिल्म बनाना एक छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो फिल्म बन के पब्लिक के सामने लिया है एक क्राइम को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नमस्ते। पवन जी से मिल के पहले बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ और मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली और इनका शो भी आ रहा है तो मुझे बहुत ही मतलब डबल एक्साइटमेंट हो गया कि चलो मैं हीरो से मिली और इनका फिल्म भी आ रहा है और बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी। और मैम भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और तो मैं मतलब अच्छा लगा कि मतलब हीरो अच्छा हीरो से मिलना, कई हीरो से मिल चुके हैं लेकिन फर्स्ट टाइम मिला उनको फिल्म देखना थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया ना, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुपर अच्छा बहुत। अपने बारे में बताइए अपने आप क्या जी। मेरा नाम शुभांगी गिरी है और मैं बिहार से पटना से आई हूँ और मैंने भी 4-5 मूवी की हैं जो मार्केट में हैं और अभी अभी मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं भी इनके साथ काम करूं। और कौन मूवी आ चुकी है आप? मेरी मूवी हसीना मान जाएगी खेसारी जी के साथ में की थी और प्रेम की पढ़ाई की थी और गरीब की बेटी और रोटी सेकंड लीड में की हूं उसमें, और मेरी अभी 3 मूवी है जिसमें रेड लिस्ट में मैं माना के मतलब किरदार की हूँ और जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक माँ ही है उसमें, और दम है बबलुआरिया की प्रियंका पंडित की भाभी बनी हूँ और एक में मतलब अत्याचार है उमेश जी के वाइफ का कैरेक्टर की हूँ, अभी वो लोग अभी एडिट पे हैं अभी रिलीज नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है ये बिहार से है, मैं यूपी से हूँ, जय यूपी जय बिहार। और अब भोजपुरिया धमाल मचेगा कि मतलब मजा आएगा कि हम लोग जो है रीजनल सिनेमा को, मेरे जितने दर्शक हैं सबको प्रणाम है मेरा, और मैं कहना चाहूँगा कि भाई मेरी भोजपुरी थोड़ा थोड़ा डाउन हो रही है, मैं गिरती जा रही है, आप लोग सपोर्ट यूपी बिहार में हाँ। तो बिल्कुल डाउन नहीं होंगे क्योंकि यूपी पवन जी मुझे अपने अगले फिल्म में शायद एक्सेप्ट करें। नहीं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, हम लोग ऑडियंस को बोलना चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है यूपी बिहार की, आप लोग जैसे साउथ है सारी मतलब रीजनल सिनेमा जितना भी साउथ है मराठी है अच्छा कलेक्शन हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आप लोगों से मेरा मतलब तहे दिल से ये है कि आप लोग भी सपोर्ट करिए अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को कि आप लोग मतलब हमसे बड़ी टेरिटरी कोई नहीं है ना, यूपी बिहार से बड़ा कोई टेरिटरी नहीं है, लेकिन वो मतलब छोटी टेरिटरी 100-100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, हमारी भोजपुरी जो है 2 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पा रही, क्या मतलब है कि हम भोजपुरियों भाई जितने अपने भोजपुरी देखने वाले अपने भोजपुरी ऐसा कुछ नहीं है सर, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं और हम तो बहुत ही छोटे शहर से हम भी आए हैं, बहुत गांव से आए हैं और मतलब मुझे इतना मतलब खुशी मिल रही है मतलब कि अब मैं उसको बयान नहीं कर पा रही हूँ। रीजनल सिनेमा जैसे मैम ने बोला ना कीचड़ से कमल खिलता है, तो हम लोग यूपी बिहार वालों को मुंबई में कीचड़ माना जाता है और लेकिन कमल हम ही लोग खिलाए हैं, नहीं हम लोग खिलाए भी हैं, खिलाना भी। और मैं दिल से बोल रहा हूँ मुझे किसी का डर नहीं है, अगर यहाँ पे किसी को कपड़ा पहनना खाना कोई सिखाया तो ये यूपी बिहार है, भोजपुरी वाले आके जो है यूपी बिहार आके महाराष्ट्र को कपड़ा पहनना खाना पीना सिखाएं भाई, मैं ये दिल से बोलता हूँ, मैं मुझे गर्व है कि मैं यूपी से हूँ बिहार से हूँ मैं भोजपुरी का हूँ, मुझे गर्व है, और कोई भी हो तो मुझे गर्व है कि हम लोग जो है बोलते हैं ना सांड, तुम लोग सांड है सही में वाकई में सांड है, भोजपुरिया सांड है हम लोग, भोजपुरिया बिहार। जय यूपी जय बिहार। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।